प्रतिशत ये सफलता मिली है और अब बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। ये कई वर्षों की मेहनत है जो फल लाई है और रंग लाई है। मैंने अपने साथियों को इसरो में देखा है रात रात भर काम करते हुए, तो मुझे बहुत गौरव है। यद्यपि मैं सीधे ढंग से इससे जुड़ा हुआ नहीं था इस प्रोजेक्ट से, लेकिन काफी जानकारी रखता था और इसरो का वैज्ञानिक होने के नाते बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये भारत के लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है मतलब। और ये हमारे आने वाले बच्चों को और आने वाले विज्ञान और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को एक नई दिशा देगा और नए उत्साह से बढ़ेगा, ये मेरा पक्का मतलब मानना है, उसमें कोई शक नहीं है। और एक बात बताना चाहूंगा कि इस अवसर पर हमें आगे क्या करना है। तो 20 साल पहले मैंने एक रिपोर्ट देखी थी नासा की, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी कि 2075 यानी 2075 तक उनका क्या प्लान है। तो 2075 तक उनका प्लान है कि चंद्रमा की आबादी 1 लाख होनी चाहिए और मंगल की 10,000 होनी चाहिए। अब इस प्रोजेक्ट पे कितना काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आज की तारीख में मुझे पता नहीं, पर मेरे हिसाब से भारत को भी ऐसे टारगेट बनाने चाहिए और ऐसी मतलब योजना बनानी चाहिए कि आने वाले 50 सालों में या 100 सालों में हम क्या करेंगे। तो जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 2047 में हम क्या करेंगे, तो उस हिसाब से हमको 2047 के भी आगे सोचना चाहिए मतलब। और जो अभी भारत की स्थिति है, जो उत्साह मैंने देखा है लोगों में मतलब, वो एक बहुत बड़ी बात है। जैसे मतलब पूरा देश एक हो गया सब भाव या भेदभाव भुला करके और एक ही मिशन, एक ही टारगेट मतलब, तो बहुत खुशी होती है देख करके। और इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है वहां पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, उस प्रोजेक्ट का टाइटल है ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट। तो आपने ये जो अभी भावनाएं देखी है, जो उत्साह देखा है लोगों का, क्या उसके ऊपर भी इस टेक्नोलॉजी के मिशन की सफलता के पीछे कुछ रोल है उसका? तो वो जो ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट है, वो ऐसे ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं कि जिसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और वो जब एक ही भाव है उनका, एक ही भावना है, एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, तो क्या उन भावनाओं का फिजिकल लेवल पे या इस प्रोजेक्ट की सफलता पे कोई प्रभाव हुआ या होता है, हो सकता है? उस पर साइंटिफिक स्टडीज चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सफलता के पीछे 99.9% तो वैज्ञानिकों का जो परिश्रम है वो है, पर जी जो 0.1% या 0.01% जो कहते हैं कि जो अनसर्टन रहता है, जो हमारे हाथ में नहीं है, वो शायद हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो उत्साह है, उसका कंट्रीब्यूशन उसमें है, मेरे को ऐसा प्रतीत होता है। हाँ तो हमें और आगे बढ़ना है इसके सेक्टर के अंदर, और आपकी चैनल ने जो मुझे तो आमंत्रण दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक बात और बोलना चाहूंगा जी मैं, छठे चंद्र यात्री जो थे एडगर मिचल, मैंने उनका व्याख्यान सुना था बेंगलोर के अंदर, जब वो चंद्रमा से वापस आ रहे थे पृथ्वी पर, तब उन्होंने सोचा, उनके दिमाग में आया कि पृथ्वी कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है, तो पृथ्वी पर ये सीमाएं क्यों है, ये बाउंड्रीज क्यों है, लोगों में झगड़े क्यों होते हैं? तो वो उससे इतने प्रभावित हुए, इतने मतलब वो उनको उनको एक वो दुख हुआ कि उन्होंने आती के एक हिंदू साधु हैं विष्णु देवानंद जी, उनके भक्त बन गए। और उनके बाद में उन्होंने कैलिफोर्निया में एक जगह है पेटालुमा, उसमें एक संस्था की स्थापना कर दी, उसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोटिक साइंसेस, यानी ऐसी साइंसेस जो कि इस विज्ञान के आगे है मतलब, जो अध्यात्म की और बातें करती है। तो वो साइंटिस्ट अभी हमारे बीच में नहीं है, वो मतलब ये जो एडगर मिचल साहब नहीं है अपने बीच में, लेकिन क्या है कि उनकी जो भावना थी, जो विचार थी कि अध्यात्म भी एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसके पीछे उनको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इंस्टीट्यूट की तरफ से बोल रहा हूँ, और उसमें एक ही बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर डीएस कोठारी आज से 50 साल पहले कहते थे कि हमको विज्ञान को धर्म से जोड़ना है, विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ना है। हाँ
तभी हम अपने विश्व में वास्तविक शांति ला सकते हैं, सुख ला सकते हैं। और अभी जो एक डर है लोगों में के प्रति और पर्यावरण को अभी बचाने की आवश्यकता है, जो हम देख रहे हैं वातावरण का अभी जो प्रभाव देख रहे हैं पूरी दुनिया में, उसको अगर ठीक करना है तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। मतलब जी और इस दिशा में भारत बहुत बड़ी लीड ले सकता है। चंद्रयान 3 में तो लीड ली है, अब मेरे को ऐसा लगता है कि भारत विज्ञान और अध्यात्म को भी मिलाएगा और विश्व के सामने एक नया समाधान मतलब पेश करेगा जी जिससे पृथ्वी और पर्यावरण को बचाया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।